हेलो एवरीवन, सेवन दिस साइड। इफ यू वांट टू स्टार्ट योर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस, सो ऑलवेज रिमेंबर आपको सबसे पहले फोकस करना है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कौन से रिस्क होते हैं। दूसरा था पॉलिटिकल रिस्क, एकदम से गवर्नमेंट चेंज होगी उसमें इफेक्ट्स होता है, बहुत इफेक्ट होता है। इसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में जो लिंक होगा उसमें देखना, बहुत डिटेल में वीडियो बना होगा। तीसरा था आपका जो लॉ चेंज हो गया, फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा कि वीट एक्सपोर्ट करना बैन, लाइव स्टॉक बैन है। सिमिलरली दूसरे कंट्री में एकदम से सडनली ऐसे बैन हो सकते हैं। एल्स आपको क्या हो सकता है कि आपका इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ गया आपका, तो इन चीजों के ऊपर आपको फोकस करना है। थर्ड आता है आपका कार्गो रिस्क। कार्गो रिस्क में क्या होता है कि टर्मिनल हैंडलिंग चार्जेस के टाइम कंसाइनमेंट नीचे गिर गया या तो लॉस हुआ, आपको कुछ कांच का आइटम हो गया, आपने तो इंस्पेक्शन करवाया होगा, सारी चीजें आप यहाँ से बोल सकते हो कि मैंने तो अच्छे से आपको पैकिंग लोडिंग करके दिया था, बट अगर कस्टमर को वो चीजें आपको टूटी हुई मिलेगी तो आपको कौन क्यों काम देगा, राइट? कंसाइनमेंट डूब गया या तो आग लग गई या तो कुछ भी हो सकता है, राइट? तो एक वो रिस्क होता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर कुछ समझ नहीं आया तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में, यू कैन गिव मी कॉल सो वी कैन डिस्कस मोर अबाउट इट। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच।